बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दो दिन पहले डूबी दो बहनों के शव हुए बरामद, परिवार में मचा कोहराम। जवाहर पुल में फंसे मिले दोनों बहनों के शव। काकोड कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर का पूरा मामला। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां बीते दिनों नहर में डूबी दो बहनों के शव बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। जवाहर पुल में फंसे मिले हैं दोनों बहनों के शव। ककोड कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीते दिनों एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद दो दिन बाद अब दो बहनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों बहनों के शवों को जवाहर पुल में फंसा हुआ पाया गया, जिसके बाद दोनों के शवों को बरामद किया गया है। ये पूरा मामला ककोड कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दो दिन पहले डूबी दो बहनों के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं शवों के मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि ये शव जवाहर पुल में फंसे हुए पाए गए, जिसके बाद उनको बाहर निकाला गया। ये पूरा मामला ककोड कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर का बताया जा रहा है। वैसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए संवाददाता शिवांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवांक, दो दिन पहले हुई वारदात के बाद आज दोनों बहनों के शवों को बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, थाना कोतवाली ककोड के अंतर्गत गंगा नहर पास तीन दिन पहले चार बच्चे जो है डूब गए थे, तो दो बचा लिया गया था। और जो दो बहनें जो थी वो दो दिन बाद जो लाश मिली बरामद की गई है। तमाम जानकारी के लिए तो बुलंदशहर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ पर नदी में डूबी दो बहनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों ने किया है योगा। योगा दिवस पर जवानों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, हर साल सीआईएसएफ के जवान योग शिविर का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में आज भी आयोजन किया गया, जिसमें सीआईएसएफ कमांडेंट समेत अधिकारी भी शामिल हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर सीआईएसएफ जवानों ने योगा किया है। आपको बता दें, सीआईएसएफ जवानों और अधिकारियों ने मिलकर लखनऊ एयरपोर्ट पर योगासन किया। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने भी किया है योगा। लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 6 विशिष्ट पार्क में उन्होंने योगा किया। लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने भी योगासन किया है। आपको बता दें, तस्वीरों में आप इस वक्त स्वाति सिंह को साफ तौर पर देख सकते हैं, जिन्होंने लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 6 में योगासन किया है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे थे सीएम योगी। आज से 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। केंद्र सरकार उठाएगा वैक्सीन का पूरा खर्चा। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। आपको बता दें कि आज से 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर, जहां देर रात दो गौवंश में हुई जोरदार टक्कर। एक गौवंश लड़ते लड़ते कुएं में जा गिरा। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। फायर ब्रिगेड की मदद से गौवंश को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां देर रात दो गौवंशों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक गौवंश लड़ते लड़ते कुएं में जा गिरा। आपको बता दें कि मामले की सूचना जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की मदद से गौवंश को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया।
तो रायबरेली से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देर रात एक हादसा देखने को मिला। आपको बता दें, दो गौवंशों में आपसी टक्कर हो गई, जिसके बाद एक गौवंश लड़ते लड़ते एक कुएं में जा गिरा। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, निराला नगर में संघ पदाधिकारियों की बैठक, बीएल संतोष और स्वतंत्र देव सिंह की हुई बैठक, राधा मोहन सुनील बंसल मीटिंग में है शामिल। 12:30 बजे बीजेपी ऑफिस में मीटिंग आयोजित की जा रही, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संघ से फीडबैक ले रहे हैं इस वक्त बीएल संतोष। तो लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक देखी जा रही है। आपको बता दें, निराला नगर में संघ पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है, जहां पर बीएल संतोष और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, साथ ही राधा मोहन और सुनील बंसल भी मीटिंग में शामिल है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि 12:30 बजे से बीजेपी ऑफिस में ये मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें संघ से फीडबैक ले रहे हैं बीएल संतोष। निराला नगर में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जहां संघ पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हो रही है। इसी बीच अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जाबाज दरोगा को एसएसपी ने किया सम्मानित, एसएसपी कालानिधि नेथानी ने किया है सम्मानित। दरोगा ने बचाई थी नहर में कूदकर युवक की जान। तो अलीगढ़ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जाबाज दरोगा को 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, जिसके बाद आज एसएसपी ने उन्हें आज सम्मानित किया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एसएसपी कालानिधि ने जाबाज दरोगा को सम्मानित किया है। वहीं आपको बता दें कि अब यूपी सरकार भी जाबाज दरोगा को सम्मानित करने जा रही है। आपको बता दें कि दरोगा ने बीते दिन एक युवक की नहर में डूबने से जान बचाई थी। आपको बता दें कि इनकी जाबाजी के बाद अब यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी सरकार ने भी इनाम देने की घोषणा की है, जहां एसएसपी की तरफ से 25,000 का इनाम इन दरोगा को दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एसएसपी ने जाबाज दरोगा को सम्मानित किया है।